सो दोस्तों, मैक का मोहावे ओएस रिलीज हो गया है और ये मैक का 15th ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपके पास मैक है और अगर आप इसमें मोहावे ओएस लोड करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले ये वीडियो ज़रूर से चेक करना, क्योंकि इसमें मैं तीन पार्ट्स बताऊंगा आपको। नंबर वन, कि मोहावे अपडेट करने से पहले कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखनी है बिफोर अपडेटिंग, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट्स है क्योंकि ये पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नंबर टू, मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे मोहावे आपके मैक में आपको अपडेट करना है। ये अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। और नंबर थ्री, मैं आपको मोहावे में जो इंपॉर्टेंट न्यू फीचर्स आए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो एंड तक बने रहना दोस्तों और हर एक पॉइंट ध्यान से सुनना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मोहावे अपडेट करने से पहले कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखनी है। तो पॉइंट नंबर वन, इसमें अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2011 है तो वो इस अपडेट के बाद आपका बंद हो जाने वाला है, और अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। हाँ, एक वेबसाइट पर मैंने ये ज़रूर पढ़ा था कि उन्होंने सारा सपोर्ट हटा दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2011 के लिए। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फिर भी यूज़ करना है तो आपको कोई लेटेस्ट वर्जन वापस खरीदना पड़ेगा ऑन द सेम लैपटॉप। तो यूजुअली एक ही लैपटॉप के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ही बार खरीदना पड़ता है, लेकिन ये ओएस अपडेट करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दो बार खरीदना पड़ेगा। दूसरा जो ऐप है वो है एडोबी। सो एडोबी का CS5, CS6 ये वर्जन्स भी मोहावे में नहीं चलने वाले हैं। तो अगर आपने ये ऐप्स भी अगर परचेस किए हुए हैं तो आपको वापस परचेस करने पड़ेंगे। और इसका रीज़न ये है कि बेसिकली एप्पल ये कर रहा है कि जो भी 32-bit ऐप्स है वो सब वो डिसेबल कर देगा इस पर्टिकुलर ओएस में। सो अगर आपका ऐप 64-bit है तो ही इस ऐप में चलेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास ऐसे कितने ऐप्स हैं पुराने हिस्ट्री से जो आप यूज़ करते आ रहे हो जो 32-bit है? तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 32-bit ऐप्स कितने हैं और कौन से ये कैसे आपको अपने लैपटॉप में पता करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप पे जो एप्पल का जो आइकन है उस पर क्लिक करें, उसके बाद आप अबाउट दिस मैक पे क्लिक करें। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे आने के बाद आप सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करें और उसके नीचे आप एप्लीकेशंस करके जो लेफ्ट साइड पे वर्डिंग्स है वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपको एक ये लिस्ट मिल जाएगा। तो लिस्ट में आप देखोगे कि राइट साइड ऊपर एक 64-bit का एक कॉलम है। अब यहाँ पे जितने भी आप एप्स देख रहे हो जिसमें येस लिखा हुआ है ये सारे 64-bit एनेबल्ड है ये सारे एप्स। अब मैं जैसे 64-bit पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे को अब ये फिल्टर होके आएंगे जो नो वाले हैं। तो ये सारे एप्स वो हैं जो 64-bit नहीं है और इसलिए ये मैक ओएस मोहावे में नहीं चलने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि आप कैसे मोहावे को इंस्टॉल करोगे आपके लैपटॉप में। तो उसके लिए आप ऐप स्टोर खोल के उसमें आप जैसे अपडेट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री अपग्रेड का एक ऑप्शन आएगा मैक ओएस मोहावे में। जैसे आप क्लिक करोगे आपको इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपका एक नीचे एक आइकन आ जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करना है इसके ऊपर और फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन इसकी एग्री करनी है, अगेन एग्री। आपके जो डिस्क है उसको आप देख लें कि सही डिस्क पे इंस्टॉल हो रहा है और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें और आपका जो मैक का जो पासवर्ड है वो डालें। और उसके बाद आप जैसे आप इंस्टॉलेशन आप देखोगे आप शुरू हो जाएगा और ये बताएगा कितना टाइम बाकी है, वो 45 मिनट्स दिखा रहा है ये। और उसके बाद आप रीस्टार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका लैपटॉप स्टार्ट होके मैक ओएस मोहावे पे आके रेडी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मोहावे के क्या न्यू फीचर्स आए हैं। तो पहला जो फीचर है उसमें आपको एप्पल पे क्लिक करके सिस्टम प्रेफरेंसेस में जब आप आओगे तो जनरल के टैब पे आपको एक एडिशनल एक डार्क मोड का ऑप्शन आ गया है। अभी डार्क मोड का मतलब ये है कि अब आपके आईज पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगा अगर आप कुछ बहुत लंबी देर तक स्टडी करते हो या कुछ रीड करते हो। तो आप देख सकते हो इन सब विंडोज में सब अभी ब्लैक हो चुका है। सफारी में भी आपके बैकग्राउंड जो है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, तो उसका आपका विंडो का जो गेटअप है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया उसके वजह से। नेक्स्ट जो फीचर है उसके लिए आप सिस्टम प्रेफरेंसेस में डेस्कटॉप एंड स्क्रीन सेवर सेटिंग्स में आइए और वहाँ पे आप ये ऑप्शन में ड्रॉपडाउन में आप डायनेमिक पे क्लिक करें। डायनेमिक में क्या करेगा ये ओएस, वो ये है कि भाई आपका जो स्क्रीन सेवर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा बेस्ड ऑन योर लोकेशन और आपका जो डे का टाइम है। जैसे अगर रात है तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, अगर दिन का टाइम है तो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, वो अपने आप ही वो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे आपका स्क्रीन सेवर चेंज कर देगा। नेक्स्ट आप वापस जनरल में आओ और आप इधर एक्सेंट कलर भी चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आइकन्स के बाजू में जो एरो कीज है जो ड्रॉप डाउन के लिए वो कलर्स अभी ब्लू है, तो इन कलर्स को मैं भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे पर्पल है, पिंक है, मैं इसको येलो, ग्रीन, ग्रेफिट है, ये सारे कलर्स में चेंज कर सकता हूँ।
नेक्स्ट फीचर दोस्तों उन लोगों के लिए जिनका डेस्कटॉप बहुत ही मेसी होता है, जो सारी फाइल्स डेस्कटॉप पे सेव करते जाते हैं और कभी उधर कोई सॉर्टिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जहां से आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके व्यू स्टैक्स जब आप करोगे तो एक ही कैटेगरी के सारी फाइल्स स्टैकअप हो जाएंगी। जैसे पिक्चर्स है तो पिक्चर्स का एक पूरे कैटेगरी का बन जाएगा एक साथ, वर्ड फाइल है तो उनकी कैटेगरी अलग बन जाएगी। तो उसके वजह से होगा ये कि आपका जो डेस्कटॉप है वो ज्यादा क्लीन और सुथरा साफ सुथरा दिखेगा। इसी में एक ऑप्शन है, आप स्टैक्स को इवन ग्रुप कर सकते हो अलग अलग ऑप्शंस के बेसिस पे, जैसे कि आप उसको अकॉर्डिंग टू टाइम कर सकते हो, डेट एडेड, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड, लास्ट ओपन, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन नया जिसमें आया है वो है आपका फोल्डर व्यू। फोल्डर व्यू में एक अब ऑप्शन ये आया है कि आप अलग तरीके से इसके फाइल्स को व्यू कर सकते हो। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करोगे तो अब आपको सारे पिक्चर्स का प्रीव्यू भी मिलेगा, आप उसमें उन पिक्चर्स को एडिट भी कर सकते हो, मार्कअप भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो और एट द सेम टाइम उसको आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एडिट की बात कर ही रहे हैं हम, तो हम जैसे पिक्चर को प्रीव्यू मोड में डालोगे आप तो उसको आप यहीं से आप एडिट कर सकते हो। तो जो जो ऑप्शन है यहाँ पे आप उनको उसको सर्कल कर सकते हो, आप कोई टेक्स्ट को यहाँ से निकाल के उसको डिलीट कर सकते हो और एट द सेम टाइम आप उधर कोई सिग्नेचर अगर ऐड करना चाह रहे हो अपना तो भी कर सकते हो और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो वहाँ पे अलग से। एक बार आपने एडिटिंग कंप्लीट कर दिया उसके बाद आप उसको शेयर भी कर सकते हो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कोई भी पिक्चर या स्नैपशॉट कुछ लेते हो स्क्रीन का तो 2-3 सेकंड तक आपको यहाँ पे राइट साइड पे दिखेगा वो आइकन और उन 2-3 सेकंड पर अगर आप क्लिक कर देते हो उस पिक्चर पे तो आप उनको उस पिक्चर को एडिट भी कर सकते हो और एडिट करने के बाद आप जैसे इसको एग्जिट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। और अगर आप उसको एडिट नहीं करते हो या फिर उस 3 सेकंड के अंदर अगर आप उस पिक्चर को क्लिक नहीं करते हो तो भी वो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर मेरा फेवरेट है, इसमें आप राइट क्लिक जैसे करोगे डेस्कटॉप पे तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, टेक फोटो और स्कैन डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आपके जो 2 डिवाइसेज है आईफोन या आईपैड इन दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हो इसके लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आईपैड एयर पे टेक फोटो करता हूं तो जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा तो आप मेरे आईपैड पे आप देख सकते हो कि कैमरा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी विदाउट माई टचिंग। तो अब मैं आईपैड को यूज करूंगा मेरे कोई भी पिक्चर लेने के लिए। जैसे मैंने ये पिक्चर ले लिया उसके बाद नीचे एक मेरे को ऑप्शन आ जाएगा यूज फोटो करके, तो यूज फोटो पे मैं जैसे क्लिक करूंगा और फिर वापस से मैं अपने डेस्कटॉप पे आऊंगा तो वो पिक्चर मेरे डेस्कटॉप पे रेडी पड़ा होगा जिसमें मैं आपका एडिटिंग भी कर सकता हूं और कुछ उसमें शेयर भी कर सकता हूं। मुहावे में 2 एडिशनल सॉफ्टवेयर ऐड हो चुके हैं, आप जैसे सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आप देख सकते हो स्टॉक और वॉइस मेमोज। तो जो भी आपने वॉइस मेमोज या स्टॉक्स आपने ऐड किया अपने आईफोन या आईपैड में वो अब आप इधर डेस्कटॉप पे आपने भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपके आईपैड की तरह से भी जैसे हो आपको रीसेंट एप्स दिखते थे वहां पे वैसे आप अब मुहावे में लैपटॉप पे भी आपके रीसेंट एप्स दिखेंगे यहाँ पे नीचे। जैसे मैंने रिसेंटली स्टॉक खोला और सिस्टम प्रेफरेंसेस खोले हैं तो दोनों मेरे को यहाँ पे दिखेंगे जो मैं सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाके हाइड भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो आया है वो है ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर का भी कंप्लीट जो लेआउट है वो काफी चेंज हो चुका है और इसमें मेरे को अलग अलग कैटेगरीज भी मिल जाती है, डिस्कवर है, क्रिएट है, वर्क है, प्ले, और कैटेगरीज के अंदर भी मैं और भी सब कैटेगरीज में जाके अपने ऐप्स को ढूंढ सकता हूँ। नेक्स्ट जो एडिशन है वो है आप अपने आईफोन या आईपैड की तरह अब आप इसमें सीरी भी यूज कर सकते हो और सीरी के थ्रू आप अपने सारे फंक्शन यूटिलाइज कर सकते हो अब अपने लैपटॉप पे भी। सो दोस्तों ये था फीचर्स का लिस्ट मुहावे मैक ओएस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सो दैट आपको आगे के मेरे सारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों और मिलते हैं अगले वीडियो में।